जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्री गुरु चरण पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सपने में अलग अलग स्थितियों में बंदर दिखने का मतलब बताने वाली हूँ, और साथ ही सपने में बार बार बंदर दिखे तो क्या करना चाहिए ये भी बताने वाली हूँ। हिंदू धर्म में सपने को बेहद महत्व दिया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे सपने सिर्फ सपने तक ही सीमित नहीं होते, बल्कि हमारे सपने का संबंध हमारे जीवन से होता है। सपने में बंदर देखना एक अच्छा सपना माना जाता है। अगर व्यक्ति सपने में बंदर देखता है तो उन पर हनुमान जी की कृपा मानी जाती है। आने वाले समय में धन लाभ हो सकता है, पारिवारिक सुख की प्राप्ति हो सकती है या दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त हो सकता है। कोई अच्छी खबर भी मिलने वाली हो सकती है। जीवन में कुछ बदलाव आने वाले भी हो सकते हैं। ये आपको कुछ सूचना भी दे सकता है। हमारा शरीर कुछ ऐसा बना है कि जिसमें आने वाली कल की खबर पहले ही मिल सकती है। सपने में बंदर देखना शुभ और अशुभ दोनों ही होता है, लेकिन कई सपने अशुभ संकेत भी देते हैं और आने वाले कल के लिए सावधान करते हैं। अब सपने में बंदर देखना शुभ है या अशुभ, ये आपके सपने के दृश्य पर निर्भर करता है। अब मैं बताती हूँ कि सपने में बंदर को अलग अलग रूप में देखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। पहला, सपने में बंदर को खाना खिलाना। अगर आप सपने में बंदर को खाना खिला रहे हैं तो आपके घर में जल्द ही कोई शुभ कार्य होने वाला है और आप अपने अतिथियों को अच्छी तरह से खाना खिलाने वाले हो और अतिथियों की मेहमान नवाजी करने का मौका भी आपको मिलने वाला है। तो यह बहुत ही शुभ संकेत है आपके लिए, तो इससे डरने का कारण नहीं है। ये तैयारी करने का टाइम है कुछ अच्छा होने का। प्रेगनेंसी में बंदर देखना। अगर किसी गर्भवती महिला को सपने में बंदर दिखे तो ये शुभ संकेत है। इसका मतलब यह है कि होने वाला बच्चा बहुत ही चंचल और शैतान स्वभाव का होने वाला है, परंतु बच्चा बड़ा होके आपका नाम रोशन करेगा। तीसरा, सपनों में बंदर खुश दिखाई दें। यदि आपके सपने में बंदर प्रसन्न दिखाई दें तो इसका मतलब है कि आपकी टूटी हुई मित्रता फिर से जुड़ने वाली है या फिर किसी नाराज रिलेटिव से अनबन दूर होने वाली है। ऐसे स्वप्न के लिए स्वप्न शास्त्र में लिखा है कि बंदर को खुश देखना बहुत शुभ सपना होता है। इसका मतलब है कि आपकी जिसके साथ लड़ाई हुई थी उसके साथ आपकी फिर से मित्रता होने वाली है। आपका पुराना दोस्त आपको मिलने वाला है, और साथ ही साथ यह सपना इस लिहाज से भी अच्छा होता है क्योंकि इसका यह भी अर्थ माना जाता है कि इसके बाद आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। चौथा, बंदरों को लड़ते हुए देखना। ये लड़ाई का संकेत है, पर डरने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सहमति या असहमति तो जीवन का हिस्सा है। बंदरों को लड़ते हुए देखने का मतलब यह है कि आने वाले जीवन में आपकी अपने परिवार के सदस्यों या मित्रों के साथ लड़ाई हो सकती है। यह संकेत मिलने के बाद बेहतर है कि कुछ वक्त के लिए आप लोगों से तर्क वितर्क करने से बचें। पाँचवा, सपने में बहुत सारे बंदर देखना। बहुत सारे बंदर देखने का मतलब है कि आपके जीवन में मनोरंजन और यात्रा होने वाली है। बंदर को हम अपना दोस्त मानते हैं। अगर आपको सपने में बहुत सारे बंदर एक साथ दिखते हैं तो इसका संकेत है कि आप आने वाले पल में आपके मित्रों के साथ कहीं यात्रा पर जाने वाले हो। छठा, सपने में बंदर को मारना। सपने में बंदर को मारना मित्रता में समस्या का संकेत है। अगर आपको ऐसा सपना आता है कि आप सपने में बंदर को मारते हैं तो आपका जल्द से जल्द आपके किसी करीबी मित्र से झगड़ा होने वाला है, यह इसका संकेत होता है। इस दिक्कत से बचने के लिए इस सपने को नज़रअंदाज करना ही आपके लिए बेहतर होगा।
सातवां, सपने में लंगूर देखना। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में लंगूर देखना आपके लिए एक शुभ संकेत है, जो आपको इस बात के संकेत देता है कि आपको जल्द ही कोई रोचक या शुभ समाचार मिलने वाला है, अर्थात आपको एक ऐसा समाचार मिलेगा जिससे आपको लाभ होगा, और यह लाभ आपको किसी भी क्षेत्र से मिल सकता है। आपके व्यवसाय में तरक्की हो सकती है, आपकी नौकरी लग सकती है, या फिर किसी भी तरह के शुभ संकेत आपको मिल सकते हैं जिससे आपको कोई ना कोई लाभ जरूर होगा। आठवां, सपने में बंदर का काटना। सपने में बंदर का काटना किसी छोटी सी समस्या की ओर इशारा करता है। आप पर कोई छोटी परेशानी आने वाली है, जैसे तबीयत के सिलसिले में परेशानी होना या पैसे को लेकर दिक्कत। तबीयत की समस्या आए तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखा लें ताकि आप परेशानी से बच सकें। नौवां, सपने में बंदर को गुस्से में देखना। बंदर गुस्से में होना आपको छोटे मोटे क्लैश और कलेश की ओर इशारा कर रहा है। अगर आपके सपने में बंदर गुस्से में है तो इसका मतलब है कि आपकी अपने पड़ोसी, दोस्त या फिर नज़दीकी लोगों से झगड़ा होने की संभावना होती है और आपका सम्मान कम हो सकता है, आप सावधान रहें। दसवां, सपने में काला बंदर देखना, ये अशुभ सपना है। सपने में काला बंदर देखने का मतलब यह है कि आप पर किसी काले जादू का साया पड़ने वाला है, जिसकी वजह से आप बीमार हो सकते हैं या फिर आपका धन का नुकसान होने वाला है, यही इसका संकेत होता है। ग्यारहवां, सपने में चिंपैंजी देखना, ये एक शुभ संकेत है जो कि आपको लाभ का संकेत देता है। चिंपैंजी को भी बंदर का ही एक रूप माना जाता है। यदि आप सपने में चिंपैंजी को देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके काम या व्यापार में वृद्धि होने वाली है। बारहवां, सपने में बंदर को रोटी खिलाना, इसका मतलब ये है कि आप जल्दी ही कोई पुण्य काम करने वाले हैं। सपने में बंदर को रोटी खिलाना यानी कि आपको यह भगवान का इशारा होता है कि किसी गरीब, कमज़ोर और ज़रूरतमंद इंसान की मदद करें तो आपने गरीबों में अन्न दान या वस्त्र दान करना चाहिए। दान करने से आपके जीवन में खुशहाली आएगी और गरीबों की दुआ भी आपके साथ रहेगी। तेरवां, सपने में बंदर को केले खिलाना, यह आपके जीवन में आने वाली खुशी का संकेत है। इस तरह के सपने का मतलब यह है कि आपको खुशी मिलने वाली है। सपने में बंदर को केला खिलाना अच्छा संकेत है। चौदवां, सपने में बंदर को चना खिलाना। हिंदू धर्म अनुसार बंदर भगवान हनुमान जी का अवतार है। यदि आप बंदर को सपने में चना खिलाते हैं तो आपके ऊपर भगवान हनुमान जी की कृपा है और आपको मंगल को व्रत रखकर बंदरों को चना खिलाना चाहिए। पंद्रवा, घर में बंदर का आना, यह शुभ संकेत नहीं है। यदि आप खुद के घर में बंदर को अंदर आते हुए देखते हैं तो यह अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा सपने में देखने का मतलब यह होता है कि आपके परिचित में से कोई आपका दुश्मन है जो आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। यह सपना आपको सावधान होने का इशारा देता है। सोलहवां, सपने में बंदर से लड़ना, नौकरी वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि सपने में बंदर से लड़ना यानी आपका झगड़ा आपके ऑफिस के बॉस से या सीनियर से होने वाला है, जिससे आप अपनी नौकरी भी गंवा सकते हैं, या आपका झगड़ा आपके रिश्तेदारों से भी हो सकता है, जिसके चलते आपका रिश्ता खत्म हो सकता है। सत्रहवां, सपने में लाल बंदर देखना, सपने में लाल बंदर देखना शुभ माना जाता है। फिर चाहे लाल बंदर आप असलियत में ही देखें या फिर सपने में ही क्यों ना देखें, अगर आपने लाल बंदर को सपने में देखा है तो आपको जल्द ही धन की प्राप्ति होने वाली है, यही इसका मतलब होता है। तो आपने रोजाना हनुमान जी का जाप करना शुरू कर देना है, धन प्राप्ति में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। अठारहवां, सपने में बंदर के साथ खेलना, अगर आप सपने में बंदर के साथ खेल रहे हैं तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। आने वाले समय में आप अपने सपने पूरे करने वाले हैं, जैसे कि आप किसी प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, घर भी खरीद सकते हैं, कारोबार में तेजी आने वाली है, नई गाड़ी इत्यादि, जिससे आप बेहद खुश होने वाले हैं। उन्नीसवां,
सपने में बंदर का बच्चा देखना, यह बहुत ही शुभ है। सपने में बंदर का बच्चा देखना मतलब आपके घर में कोई नन्हा मेहमान आने वाला है जो कि बहुत ही शरारती होगा और आपका जीवन खुशियों से भर देगा। या फिर कोई महिला गर्भवती है और उसे इस प्रकार का सपना आता है तो उसके लिए भी यह शुभ संकेत है। वह एक तंदुरुस्त बच्चे को जन्म देने वाली है जो कि बहुत नटखट होगा। 20वां, सपने में बंदरिया देखना। ये इस बात का इशारा है कि आपको होशियारी से काम लेना है। बंदर में बंदरिया यह बहुत ही चंचल और होशियार होती है। अगर आपने सपने में बंदर देखा तो आप आने वाले दिनों में आपको बहुत ही चंचलता पूर्वक और होशियारी से काम करना है जिससे आपको सफलता प्राप्त हो। 21वां, सपने में बंदर से बात करना। यह सलाह से संबंधित है। सपने में बंदर से बात करना यह इसका संकेत है कि आपके जीवन में किसी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके परिवार के साथ चर्चा करने वाले हो। आपका परिवार हमेशा आपके साथ है और ज़रूरी सलाह भी आपको देता रहेगा। 22वां, सपने में बंदर के पैर पड़ना। यह एक शुभ सपना है। अगर आप बंदर के पैर छूते हैं तो आपको पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है और हनुमान जी का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा, क्योंकि बंदर यह हमारे पूर्वजों का रूप है और साथ ही साथ हनुमान जी का वास्तव बंदरों में पाया जाता है। 23वां, सपने में बंदर से डरना। सपने में अगर आप बंदर से डरते हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, पर सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके कोई गलती ना हो इसकी आपको सावधानी बरतनी है। यह सतर्क करने वाला सपना है। अंत में बंदर का सपने में आना हमारे दृष्टिकोण को बदलने का संकेत देता है। हमने जाना है कि सपने में बंदर देखना ज़्यादातर शुभ संकेत ही माना जाता है। कई परिस्थिति में सतर्क रहने की ज़रूरत है, जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में बंदर को हनुमान जी का रूप माना जाता है, तो सपने में आपको बंदर दिखने पर मंगलवार का व्रत रखना चाहिए, फिर हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके दर्शन करने चाहिए। इससे आपको निश्चित ही शुभ फल प्राप्त होगा। यदि आपको सपने में बार बार बंदर दिखाई दे रहा है तो इसका संकेत यह भी हो सकता है कि आपने किसी बात के लिए हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना सोचा हो, कोई मन्नत मांगी हो और आप भूल गए हैं। इस बात को याद दिलाने के लिए आपके सपने में बार बार आएंगे तो आपको याद करके आप मन्नत पूरी कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई मन्नत आपको याद नहीं आ रही तो भी आप मंगलवार का व्रत शुरू कर दें। संभव हो तो बंदर को केले चने या कुछ खाने का पदार्थ देना चाहिए। इससे आपको ज़्यादा लाभ होगा और आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। मित्रों, यदि आप भी हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान अवश्य लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।